हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में देखा। आईजीएसटी पर हम लोग के दो सेशंस हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में डेफिनेशन पार्ट को देखा था और सेकंड सेशन में हम लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई और सेक्शन 11। ठीक, ये तीन टॉपिक हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग 7-8 देख लिया था, 11 देख लिया था। आज हम लोग सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 की बात करेंगे। और सेक्शन 12 आज कंप्लीट नहीं होगा, सेक्शन 10 की बात करते हैं। और यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सेक्शन 11 है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने देख लिया था सेक्शन 11 में, देखा था अगर हम एक्सपोर्टेशन करते हैं तो रिसिपियंट का प्लेस, लोकेशन ऑफ द रिसिपियंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और इंपोर्टेशन करते हैं तो इन इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अच्छा सर, सेक्शन 10 में आप क्या बताने जा रहे हैं? हम केवल और केवल गुड्स के बारे में बताएंगे कि गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। पहले तो एकदम इमेज क्लियर होनी चाहिए। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गुड्स, गुड्स विच आर टू बी सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक, अच्छा, यानी हम लोग इस सेक्शन 10 में सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना। इसके लिए हम लोग बात करेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 में। ओके, सेक्शन 12 में अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कही जाएगी और सेक्शन 13 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की जाएगी। इनके लिए हम ये सेक्शंस देखेंगे, लेकिन आज हम लोग अभी तुरंत सेक्शन 12 की बात नहीं करने जा रहे, सेक्शन 10 की बात करने जा रहे हैं, जो क्लियरली बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स शामिल होगा या कोई मूवमेंट शामिल नहीं होगा। और तीसरा जो इस सेक्शन में नहीं आता वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो हम लोगों ने इसके लिए तो रेफर करना है सेक्शन 11, तो फिलहाल हम इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम केवल इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 में। पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे दैट इज विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड द सेकेंड पॉइंट इज डजंट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। डजंट इन्वॉल्व, सर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या है? यानी जब सामान चलकर जाता है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट, सामान का मूवमेंट होना। ये आपको पेपर खरीदना है, ये लीजिए पेपर, आपको मैंने पेपर पहुंचाया, दैट सिंपली टर्म्स एड एज मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी अगर सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आता और जाता है, उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो मूवमेंट आंदोलन वाला नहीं, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा, डजंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप मेरे पास आए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, और आपने हमसे कहा कि ये पेपर हमें चाहिए, मैं अपने दुकान पर बैठा हूं, मैंने कहा ले जाएं ये पेपर, इतना रुपया दे दें,
आप ये पेपर हमसे ले गए, इट डजंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों सर? सामान तो ले गए, मैंने आपको सप्लाई दे दी, उसके बाद आप मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। हमारी ओर से सप्लाई में कोई मूवमेंट है क्या, या हमारी ओर से सप्लाई में कोई मूवमेंट नहीं है क्या, ये समझना है। यानी हम लोग यहां बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। आप कहते हो कि हम गुजरात में रहते हैं, मैं कहता हूं मैं यूपी में रहता हूं। आपने हमसे बोला, गुजरात का बंदा हमसे बोलता है कि सर आप हमें ये सामान पहुंचवा दो मेरे पास, मेरी डेस्टिनेशन पर, मेरे फैक्ट्री पर, मैंने ये सामान अपने यहां से आपके यहां तक भेज दिया। इसका मतलब मूवमेंट है, और मूवमेंट कब टर्मिनेट करेगा, जब वो आपके पास पहुंचेगा। सर हो सकता है कि सामान, आपने बोला सर ये हो सकता है कि सामान गुजरात का बंदा खुद लेकर जाए, तो मूवमेंट टर्मिनेट तो उसी समय हो गया जब आप मेरे यहां से सामान लेकर के गए, यानी मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई से आप सामान लेकर चले गए, दैट इज अप टू यू टू मूव द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेरा काम खत्म हो गया सप्लाई का, जैसे ही मैंने सामान आपको हैंड ओवर दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल। बात करते हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी एज अंडर। तो अब हमें ये चार पॉइंट देखने हैं, जिसमें से दो पॉइंट सेक्शन 10 के मूवमेंट ऑफ गुड्स से बिलोंग करते हैं और दो पॉइंट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स से बिलोंग करते हैं। पहला ए वेयर, अब मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक के साथ एक एग्जांपल अटैच कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस सर, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर वन, whether by the supplier or the recipient or by any other person। आप मेरे पास वहां गुजरात से बोलते हो कि सामान मेरे यहां पहुंचवा दो, या सामान आप आते हो मेरे पास और लेकर जाते हो, लेकिन सामान आप अपने दरवाजे तक जब तक लेकर नहीं पहुंच पाओगे तब तक वो मेरी जिम्मेदारी पर है, इसको कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स। या कोई तीसरा बंदा हम दोनों के बिहाफ पर सामान आपके यहां तक पहुंचाता है, और द रिसिपियंट और बाई एनी अदर पर्सन, द प्लेस ऑफ सच सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम। यानी अब उस सामान का लोकेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मोमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी एट टू द रेसिपियंट। मोमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, अंडरलाइन कर लेंगे, मोमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। अब टर्मिनेट्स के आगे एक और वर्ड लिखा है, फॉर डिलीवरी, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी टर्मिनेट, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, यहां तक एंड नहीं हुआ है, इसके साथ वर्ड एक और जोड़ दिया है, मूवमेंट टर्मिनेट हो गया, वो टर्मिनेट तब माना जाएगा जब हम डिलीवरी देने के लिए अब तैयार हैं। फॉर डिलीवरी टू द रेसिपियंट, इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। यानी आप गुजरात पे रहते हो, आपने हमसे कहा हमारा सामान हमारे पास पहुंचा दो, हम आपके पास सामान पहुंचाते हैं, जैसे ही आपके प्लेस पर सामान पहुंचा, जैसे ही लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर अ डिलीवरी टू द रेसिपियंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हियर द बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मोमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी एट टू द रेसिपियंट। अब मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, कहिए तो मैं पढ़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया कहानी वही, ओके चलिए कर देते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटर इन यूपी, ओके, प्रोक्यूर्स ग्लासेस फ्रॉम होलसेलर इन गुजरात। इसके यहां से ग्लासेस यहां जाते हैं, ओके, the terms of the contract requires the carrier to be arranged by the supplier and the supply will be completed only if the goods reach the destination safely। here the movement of goods is made by the supplier, yahan par movement of goods made by the supplier, who is the supplier, gujarat wala person who is the supplier, and who is the recipient of the goods,
यूपी वाला बंदा इज द रिसिपियंट ऑफ द गुड्स. हेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज मेड बाय द सप्लायर सो लोकेशन वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स. ये जो मूवमेंट है यहां से सामान निकलने का यहां पर खत्म हो रहा है. यूपी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. यूपी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. तो डेस्टिनेशन कहां हो रहा है? रेसिपिएंट यानी यूपी में. दैट इज ओवर. पॉइंट नंबर टू, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन. नहीं समझ में आया, एक नई कहानी में गाना गाता हूं, जरा ढंग से सुनेंगे. Does not involve, फिर कौन सी चीज इन्वॉल्व? थर्ड पार्टी. इन्वॉल्व थर्ड पार्टी और एजेंट, या कह सकते हैं इंडोर्समेंट कर देना. देखते हैं क्या है ये. ये मिस्टर एक्स है यूपी में, मिस्टर वाई है गुजरात में, और मिस्टर वाई ने इसको कहा कि सप्लाई कर दो, यानी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. क्या दिए हैं? इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सप्लाई कर दो जेड के यहां, जो कि केरला में है. कह सकता है. अब ये मिस्टर सप्लायर और ये मिस्टर रेसिपिएंट, एक्चुअल में रेसिपिएंट कौन है गुड्स का? मिस्टर जेड. लेकिन ये इंस्ट्रक्शन एक्स को दिया किसने? मिस्टर वाई ने. ये हो सकता है एजेंट हो या थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है, मेन मालिक भी हो सकता है, ओनर भी हो सकता है. लेकिन इसने सामान अपने स्टेट पे ना मंगा करके किसी दूसरे स्टेट में मंगवाया. अब हमारे सामने जो समस्या ये क्रिएट होती है कि सप्लायर ये है, रेसिपिएंट ये है, तो आप कहेंगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला. लेकिन आप गलत सोचते हैं. ये बिलिंग किसके नाम से करेगा? ओ, ये बिलिंग इसके नाम से करेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका गुजरात. प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या? गुजरात. सर आप ऐसी बात करते हैं, सामान यहां आपने थोड़ी देर पहले लिखा था डेस्टिनेशन बेस होता है, डेस्टिनेशन यहां और टैक्स यहां, बात कुछ समझ में नहीं आई. यहां पर दो प्लेस ऑफ सप्लाईज होंगे. फिक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई आपका माना गया गुजरात, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ये पहला, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा यहां से यहां भले सामान गया लेकिन माना जाएगा पहले सामान इसके पास गया फिर सामान इसके पास गया. यानी ये जो बिलिंग करेगा, सामान इसने यहां से यहां भेजा लेकिन इसकी बिलिंग इसके नाम से होगी, ये आईजीएसटी चार्ज करेगा, और इसकी बिलिंग इसके नाम से होगी और ये भी आईजीएसटी चार्ज करेगा. इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया. यानी डायरेक्ट इसने अगर डिलीवरी जेड को कर दी, डायरेक्ट डिलीवरी इसने जेड को कर दी बावजूद इसके, दिस इज नॉट आर place of supply. Actual place of supply is not an R, not our actual place of supply. We have to take the assumed place of supply, and due to that we have to consider two different place of supplies. The first one is the place of UP to Gujarat and the second one is Gujarat to Kerala. Is it clear? जी sir. कोई दिक्कत नहीं? नहीं sir. तो यहां पर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इस टॉपिक में केवल इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में नहीं. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट, ध्यान देंगे इधर, और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन. ये थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर इसने सामान यहां पर भेजा. Whether acting as an agent or otherwise, चाहे वो agent की तरह काम करे चाहे किसी भी दूसरे हैसियत से काम करे, before or during the movement of goods,
सामान के मूवमेंट होने के पहले या मूवमेंट होते समय इसने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया। हो सकता है सामान आधे रास्ते में पहुंच गया, तब तक इसने कहा ना 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 सामान यहां भेजो, ऐसा भी हो सकता है। बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट एंडोर्समेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंडोर्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। इट शैल बी डीम्ड फिक्शन माना गया है, डीम्ड, इट शैल बी डीम्ड, अंडरलाइन कर ले, माना गया है, एक्चुअल में वो रिसिपियंट नहीं है लेकिन माना गया है। इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। iska jo principal place of business hoga mana jayega ye supply wahin par ki gayi hai, yani mr y jahan locate karega that would be the place of supply। clear ji sir। niche ek example likha hai, a wholesaler in up क्या एग्जाम्पल है, अ होलसेलर इन यूपी आस्क अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, अच्छा सेम वही एग्जाम्पल भी है, डायरेक्टली डिलीवर पेपर्स टू रिटेलर इन वेस्ट बंगाल, अ होलसेलर इन यूपी आस्क अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात टू डायरेक्टली डिलीवर, इसने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि डिलीवरी कहां दे दो, गुजरात से वेस्ट बंगाल। हेयर देयर विल बी टू सप्लाइज, कि अब हम ये डायरेक्ट नहीं मानेंगे, ये थर्ड पार्टी है, ये सप्लायर है, ये रिसिपियंट है, बट इट शैल बी डीम्ड एज द सप्लाई, इट शैल बी डीम्ड एट द रिसिपियंट ऑफ द गुड्स। और ऊपर हमने यही तो बोला था, इट शैल बी डीम्ड एट द सेट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। इज इट क्लियर जी? तो इसके यहां से इसके यहां तक पहला ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई ये माना जाएगा। और नीचे मैंने नीचे दिया भी हुआ है, गुजरात टू यूपी एंड यूपी टू वेस्ट बंगाल। इज इट क्लियर जी सर? बिल्कुल क्लियर है। एन एजेंट इन कोलकाता, एक और एग्जांपल मैंने दिया है, देखिए ना कितना फर्क पड़ता है। अब जरा मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा मोड़ देता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, मैं थोड़ा इसी एग्जाम्पल पर रहता हूं कि यूपी के बंदे ने गुजरात वाले से बोला, यूपी के बंदे ने गुजरात वाले मिस्टर एक्स से बोला कि गुजरात में ही मिस्टर वाई है, उसको सामान डिलीवर कर दो। इसने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि गुजरात में ही सामान डिलीवर कर दो, इसने डायरेक्ट सामान यहां से